आप देख रहे हैं HPS TV और मैं हूं सुप्रिया सचान। मरीज 10 मार्च को कानपुर के जमातियों के साथ दिल्ली गया था। उन्नाव का युवक पटकापुर के रास्ते हलीम स्कूल में इकट्ठा जमातियों में मिला था, जो दिल्ली से जमातियों के साथ देहरादून चला गया था। एक हफ्ते से देहरादून के अस्पताल में सभी जमातियों को क्वारंटाइन किया गया था। सभी जमातियों की जाँच की गयी थी, जिसमे से उन्नाव का युवक कोरोना पॉजिटिव मिला था। देहरादून में ही कोरोना संक्रमित युवक का इलाज चल रहा था। देहरादून कंट्रोल रूम ने उन्नाव की टीम को यह जानकारी दी। जानकारी मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें युवक के घर गंगा घाट पहुंची। युवक के परिजन जांच कराने से मना कर रहे थे। पुलिस के कड़े रुख के बाद वह तैयार हुए। परिवार के सभी सदस्यों को जिला अस्पताल में क्वारंटाइन में रखा गया है। युवक का पूरा परिवार उन्नाव की कोतवाली गंगा घाट मोहल्ले रहमत नगर में रहता था। उन्नाव के में कई ऐसे परिवार हैं जो गैर प्रदेशों से बीते दिनों में लौटे हैं, जो कि उन्नाव वासियों के साथ पुलिस की मुश्किलों को भी बढ़ा सकते हैं। पुलिस विभाग की टीम उन पर बराबर नजर बनाए हुए है।